बोलो प्रभु पुरुषोत्तम राम की जय। प्रभु राम कहते हैं, कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। जब हम सत्य बोलते हैं, सत्य बोलना ही हमारी भक्ति है। कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही हमारा ईश्वर है। जो हम प्रेम करते वो ईश्वर के समान है, सेवा जो करते वो हमारी पूजा है और सत्य हमारी भक्ति है। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट होती है जब उसे दूसरे को दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। इसलिए हमें दूसरों के दुख में कभी हंसना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, बुद्धि सबके पास है, चालाकी करना है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है कि इंसान ईमानदारी से काम करता है, अपने रिश्ते ईमानदारी से निभाता है, या केवल उसको उसके संस्कार अच्छे हैं तो ईमानदारी से निभाता है, या वो चालाकी बन के उसको किसी तरह से केवल समय काट देता है। जैसे प्रभु कहते हैं कि जब केवट ने नाव क्रॉस पार कराई तो प्रभु ने उनको अंगूठी निकाल के दी, तो धोबी ने क्या कहा, केवट ने धोबी से धोबी न लेत धुआई, नाई से कुछ न लेत नाई। तो कह रहा है कि मतलब धोबी से धोबी धुलाई नहीं लेता है, नाई से नाई कटाई बाल की नहीं लेता। तुम भी केवट, मैं भी केवट, कैसे तुमसे लो उतराई, आप भी केवट हो और मैं भी केवट हूँ। मैं काठ की नाव चलाता हूँ, लोगों को इधर से उधर लाता ले जाता हूँ, परंतु आप तो सभी की नैया पार करने वाले हो, तो आप मेरी नैया को बहुत से पार लगाओ, मैं आपसे नाव केवट होकर केवट की उतराई कैसे ले सकता हूँ। कहते हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। और कहते हैं तभी तो कहते परमात्मा, अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट से पार भी ले जाएंगे। कष्ट में ही नहीं रखेंगे भगवान, कष्ट से पार अवश्य ले जाते हैं, किसी की नैया को फंसा कर नहीं रखते हैं। कहते हैं कि भगवान राम से बड़ा कोई धन नहीं है। जब नामदेव भक्त एक दूर दूर तक प्रसिद्ध था, वैश्यो मत को मानने वाले सत नामदेव के मन में बचपन से ही उसके परिवार के माध्यम से भगवान विट्ठल की भक्ति की जग गई थी। उनकी एक भक्ति कथा खूब कही जाती है। बड़पुर नामक नगर में एक बड़ा धनी सेठ रहता था। उसने अपने यहाँ तुला दान का आयोजन कराया। इस उत्सव में वो खुद के वजन का सोना तौलकर लोगों को दान में देता। उसके यहाँ दूर दूर से लोग सोना लेने आए और उसने किसी को भी निराश नहीं किया। अंत में उसने लोगों से पूछा कि नगर में कोई रह तो नहीं गया है, तो कुछ लोगों ने बताया कि संत नामदेव जी आयोजन में नहीं आए हैं, वो ईश्वर के परम भक्त हैं। इस पर सेठ ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई उसके हाथ में सोना दान ना देना चाहे। उसने अपने लोगों को कहा कि संत रामदेव को सम्मानपूर्वक यहाँ ले आए। सेठ के लोग संत रामदेव के पास पहुँचे तो वे सारी बात सुनकर बोले, स्वर्ण दान उनको दो जो जिनकी इच्छा करे, हमें कुछ नहीं चाहिए। लोग वापस लौट गए किंतु सेठ नहीं माना और उसने फिर भेजा। संत नामदेव ने दो बार उसका आग्रह ठुकराया, किंतु जब वे तीसरी बार उनके पास पहुँचे तो संत समझ गए कि सेठ की बात
भावना नहीं अहंकार बोल रहा है। अंत में वे साथ चल दिए। वहाँ पहुँचकर सेठ से बोले, तुम निश्चित रूप से इधर से सौभाग्य का आशीर्वाद तो बताओ, तुमसे क्या चाहते हो? सेठ ने कहा, मेरे हाथ से शरदान लेकर मेरा कल्याण कीजिए। शरदान देकर मेरा कल्याण कीजिए। संत बोले, कल्याण तुम्हारा हो गया, अब जो भी मुझे देने की तुम्हारी प्रबल इच्छा है मैं बताता हूँ, उस बराबर तौल दो। सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नामदेव जी को श्री विष्णु जी की प्रिय तुलसी अति प्रिय थी। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम नाम का सिर्फ रा लिखकर सेठ को वो तुलसी पत्र पकड़ा दिया और कहा कि मुझे इसके बराबर सोना दे दो। सेठ ने सहर्ष तुलसी पत्र को तराजू में रख सोना तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तराजू तुलसी पत्र के वजन के अनुसार छोटा पड़ गया। अब सेठ ने 7-8 मन सोना तोड़ने वाला तराजू मंगाया, किंतु वो भी निष्फल रहा। अंत में सेठ के पास जमा सारा सोना तराजू के पड़े पर आ गया, लेकिन तुलसी पत्र के बराबर ना हो सका। सेठ बहुत लज्जित था। उसे नामदेव का संदेश समझ आ गया। वो हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और इतना ही सोना ले लीजिए। इस पर संत नामदेव ने उसे समझाया, मेरे पास तो राम नाम का धन है, मैं सोना लेकर क्या करूँगा? ये धन राम नाम के धन की बराबरी नहीं कर सकता। यही सबसे कल्याणकारी धन है। तुमने तुलसी और राम नाम की महिमा आज अपनी आँखों से देख ली, इसलिए मैं आज से तुम इस धन को गले में हमेशा पहनना और हमेशा राम नाम जपते रहना। ये कहकर नामदेव जी उनके हृदय में भक्ति भाव भर दिया। उसकी बुद्धि प्रेम रस में भीग गई, भर गई और राजा भी भक्ति भाव में लग गया। कहते हैं, व्यक्ति धन से नहीं मन से महान होता है। तभी तो देखो, तुलसी की पत्ती के बराबर सोना नहीं तोड़ पाए। भक्ति मन से महान होता। नामदेव भक्ति से महान थे। बहुत पहले की बात है, एक घने विशि जंगल में 3 बहुत बड़े पहाड़ थे। उसी जंगल का अपना कोई नाम ना था। ये पहाड़ ही उस जंगल की पहचान थे। एक बार इंद्रदेव उस जंगल में पधारे। जब उन्हें पता चला कि इस स्थान का कोई नाम नहीं है, तो उन्होंने तीनों पहाड़ों से कहा कि वे इस जगह का नामकरण करने में किसी एक नाम के पत्थर पर नामकरण करेंगे। उसके ही नाम से तीनों में एक एक वरदान मांगने को कहा और कहा कि 1 साल बाद वे पुनः आकर देखेंगे, जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा उसी के नाम पर स्थान का नाम रख दिया जाएगा। इंद्रदेव की बात सुनकर पहले पर्वत ने कहा कि प्रभु मुझे इतना बड़ा बना दीजिए, कर दीजिए कि मैं हर दिशा में सबको दिखूं। इंद्र ने तत्काल उसे विशाल बना दिया। दूसरे पर्वत ने कहा कि प्रभु मुझे हरियाली से भरपूर कर दीजिए, हर तरफ से पेड़ पौधे मेरी सीमा में लगे हों। इंद्रदेव ने उसे तुरंत ही हरा भरा कर दिया। इसके बाद तीसरे पहाड़ ने की बारी आई। उसने वरदान मांगा कि प्रभु मुझे समाप्त कर दीजिए, एकदम समतल कर दीजिए, ताकि लोग मुझे पर बस सके। तीनों को वरदान देकर इंद्रदेव स्वर्गलोक चले गए। इस साल के बाद इंद्रदेव वापस आए। उन्होंने देखा सबसे बड़ा पहाड़ सूखा पड़ा है, दूसरा पहाड़ अपनी हरियाली के कारण ढेरों जानवरों और पक्षियों का घर बन चुका है। इसी के साथ जब तीसरे पहाड़ की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ इंसानों की पूरी बस्ती बन चुकी है। सभी लोग उस स्थान पर बहुत सुखी हैं और आनंद मंगल जीवन बिता रहे हैं। हर तरफ उल्लास है, जीवन के रंग बिखरे हैं, मानो धरती स्वर्ग उतर आया है। बहुत ही स्वाभाविक बात है कि इंद्रदेव ने उस तीसरे पहाड़ के नाम पर ही स्थान का नामांतरण कर दिया। वो पहाड़ अब कहीं नहीं था। स्वयं को मिटाकर वो लोगों के जीवन में उतर आया। पहाड़ तो नहीं था, वो लोगों के जीवन में उतर आया, बस्ती हो गई, पहाड़ तो नहीं कुछ दिखा। लेकिन इसी तरह से गुरु ज्ञान देता है, जो हमारे अस्तित्व में कहते, व्यक्ति बड़ा नहीं है, धन नहीं है, उसका